हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। दिस रूल इज यूज्ड टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। वैसे तो हम लोग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जानने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। हम लोग कॉर्क स्क्रू रूल भी यूज कर सकते हैं to know the direction of magnetic field lines around a straight current carrying conductor. So, यहां आप देख सकते हो the statement for that rule is given. और इस statement को मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे हम लोग corkscrew rule use कर सकते हैं to know the direction of magnetic field lines. If we consider ourselves driving a corkscrew in the direction of electric current in a straight wire, आपको imagine करना है कि आप एक corkscrew, ये जो corkscrew है इसको आप drive कर रहे हो, इसको आप enter करवा रहे हो एक cork में, such that आप इसको जिस direction में enter करवा रहे हो that is the direction of electric current. तो आप अगर इसको अंदर की तरफ ले जाना चाहोगे कॉर्क के, तो आपको पता है कि आपको स्क्रू को कैसे घुमाना है। स्क्रू को आपको इस डायरेक्शन में घुमाना होगा। ओके, सो अगर स्क्रू को आपको ड्राइव करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा। अगर करंट का डायरेक्शन आपको, अगर स्क्रू को बाहर निकालना है, डायरेक्शन ऑफ करंट अगर ये होगा तो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। ये वर्टिकल वाला में अगर हम लोग देखें तो और अच्छा से समझ सकते हैं हम लोग। अगर इस स्क्रू को मुझे नीचे की तरफ ले जाना है किसी वुडन ब्लॉक में, तो जिस तरफ मैं स्क्रू को ड्राइव कर रहा हूं, दैट इज व्हाट That will be the direction of current, जो हम लोग एक स्क्रू ड्राइवर से कर सकते हैं। तो करना क्या होगा हम लोग को, स्क्रू ड्राइवर का हेल्प से स्क्रू को घुमाना होगा। कैसे, क्लॉक कौन सा डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो स्क्रू किस तरफ ड्राइव होगा, डाउनवर्ड, एंड दैट विल बी कंसिडर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो एक स्ट्रेट कंडक्टर इमेजिन करो, उसमें करंट डाउनवर्ड जा रहा है। तो इमेजिन आपको करना है कि स्क्रू को आप ड्राइव करो करंट का डायरेक्शन में नीचे की तरफ, तो स्क्रू ड्राइवर को आप कैसे घुमाओगे, क्लॉकवाइज। दैट मींस एक स्ट्रेट कंडक्टर में अगर करंट हम लोग ऐसे डाउनवर्ड दिखाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। अगर स्क्रू को ऊपर की तरफ ले जाते हैं हम लोग, या स्क्रू को हम लोग बाहर निकालते, तो कैसे घुमाना पड़ता हम लोगों को, तो करंट का डायरेक्शन ये हो जाता, तो स्क्रू को हम लोग को घुमाना पड़ता एंटी क्लॉकवाइज, स्क्रू को ब्लॉक से बाहर निकालना, वुडन ब्लॉक से। इन दैट केस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये राइट हैंड थंब रूल जैसे ही है, राइट हैंड थंब रूल में हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू इमेजिन दैट वी आर होल्डिंग अ स्ट्रेट कंडक्टर इन आवर राइट हैंड, सच दैट थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब अगर करंट का डायरेक्शन दिखाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ द remaining fingers wrapping around the conductor will give what direction of the magnetic field lines. So corkscrew rule ka use kis liye kiya jata hai, to know the direction of magnetic field lines around a straight current carrying conductor. Ek chota sa video hai, agar aap dekhoge to aap aasani se samajh jaoge Maxwell's corkscrew rule. Just look at this. आप यहां देख सकते हो एक स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो रहा है एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड दैट स्ट्रेट कंडक्टर, और आप इमेजिन करो कि एक कॉर्क स्क्रू को आप करंट का डायरेक्शन में ड्राइव कर रहे हो। कॉर्क का स्क्रू को आप जब करंट का डायरेक्शन में ड्राइव करते हो, तो वहां आप देख सकते हो कि जब आप ड्राइव कर रहे हो एट दैट टाइम, जब आप करंट का डायरेक्शन में इसको ड्राइव करोगे, तो आपको कॉर्क का स्क्रू को किस डायरेक्शन में घुमाना होगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक बार और इस वीडियो को देख लो, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट।
Just look at this video. आप देख सकते हो कॉर्क का स्क्रू को डाउनवर्ड नीचे की तरफ ड्राइव करने के लिए कॉर्क स्क्रू को किधर घुमाना पड़ रहा है. सो लाइक दिस इट इज क्लॉकवाइज. सो अगर करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा होगा? क्लॉकवाइज. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस.